तो जैसे कि मैं इंडिया की काफ़ी जगहों पे ट्रैवल कर रहा हूँ और अलग अलग तरह का मेरे को फूड टेस्ट करने को मिल रहा है, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ट्राई करने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही डब वाली के अंदर पैटीज़ के अंदर क्रीम भर के और उसके साथ एक दो चीज़ें और डाली जा रही हैं, देखते हैं अंदर क्या डाल रहे हैं भैया। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ट्राई करने को मिलेगा मेरे को यहाँ, तो बड़ा अतरंगी सा फूड होने वाला है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं और ट्राई करते हैं और बबलू जी से भी मिलवाते हैं आपको। तो ये है जी यहाँ के ऑनर बबलू जी। तो सबसे पहले नमस्कार बबलू जी। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आप एक बात बताओ, आपके चर्चा सुन रहे हैं यहाँ पे डबली के अंदर, क्या बना रहे हो ऐसा? सर अपना काम किया, बर्गर नूडल से पैटीज। अच्छा, तो बड़ा सुना है कि आपकी क्रीम पैटीज बड़ी फेमस है यार। बस कहते बाबे नानक की कृपा है। अच्छा। सही हुंदा, टाइम पास हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो पैटीज भी आप खुद ही बना रहे हो? पैटीज बनी बनाई लेने। अच्छा, बाकी उसके अंदर जो कलाकारी है वो आप कर रहे हैं? हाँ, वो पर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या बना रहे हो? बर्गर। बर्गर बना रहे हो, तो दोनों चीजें आपकी फेमस है। हाँ, वो तो बर्गर को देखने से लगी रहेगी, इतनी क्वांटिटी में लगी रहे होंगे बर्गर, है कि नहीं? तो चलिए फिर टेस्ट कराइए आप हमें भी कि कैसा आपका स्वाद, चख के बताते हैं लोगों को। कितने सालों से बना रहे हो पहले तो ये बता दो। मेरे को तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। क्या चीज, मतलब बर्गर का ही काम कर रहे हो शुरू से? शुरू से तो कुलचे का करते हैं, उससे पहले तो 10-12 साल कुलचे में, अब बर्गर का करते हैं 10-12 साल। अच्छा, 10-12 साल से बर्गर और पैटीज भी? हाँ। ठीक है, तो क्या प्राइस है पैटीज का? पैटीज 15-20। अच्छा। और सिंपल आलू वाली 10 की। अच्छा अच्छा अच्छा, और बर्गर का? बर्गर 15-40-50 तक का बन जाएगा। अच्छा, 40-50 तक का बन जाता है। चलो जी, तो चेक इट आउट जी, ये लग रहा है हमारे लिए बढ़िया सा बर्गर। सेक के लगाते हैं भैया। और ये इनकी टिक्कियाँ, जो ये टिक्की आप खुद बना रहे हो? हाँ। किस चीज़ की बना रहे हो? आलू की। अच्छा, आलू की टिक्की है। और ये जो चटनी है? ये प्याज टमाटर। अच्छा, अदरक लहसुन। अच्छा, ये खुद बनाते हो? ये भी खुद बनाते। और ये मेयोनीज होगी? चेक इट आउट, बढ़िया सा लग रहा है। इसके बाद पूरी प्रिपरेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको स्वाद बताएंगे। चेक इट आउट जी, ये आ गई अपनी चिल्ली सॉस, जड़ी मिर्च वाली अपने हाथ से बनी होती है। ओके ओके, ये चिल्ली सॉस डाल दिया जी इन्होंने, जो खुद से बना रहे हैं। ये आ गई पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी आ गई। ये गंडे आ रहे हैं। गंडे यानी प्याज। लो जी, बढ़िया से आ गए गंडे यानी प्याज। बढ़िया सी इसके ऊपर एक टिक्की आ गई है। टमाटर एंड ये आ गया जी खीरा। अब इसके ऊपर जाएंगे जी इनके नूडल, देसी स्टाइल वाले नूडल्स। तो ये हो गए जी रेडी। आपको स्वाद आते हैं, इसका स्वाद कैसा है? हियर वी गो फॉर जी, ये इनकी पैटीज है और इसके अंदर आलू भी हैं। और ये लगा दी इन्होंने मेयोनीज। काफ़ी मतलब एक्सपेरिमेंट करके आपने अतरंगी सी चीज़ बना रखी है और जो लोगों को स्वाद भी दे रही है कि नहीं? अलग ही पैटीज अपनी डिफरेंट सी होगी, है ना? अभी आलू का मसाला साथ में होगा और ये बेक्ड होगी। अच्छा जी, और ये इनके बढ़िया से नूडल्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं, ये जा रहे हैं इसके अंदर। और ये क्रीम आ गई। वाह जी, रेडी? वाह जी, थैंक यू। बढ़िया सी पैटीज आ गई है क्रीम वाली, देख रहे हो? ये पैटीज है, अच्छे से गर्मा गर्म क्रिस्पी है पूरी, एकदम फ्रेश बनी हुई है और इसके अंदर आलू का मसाला है। बाकी आपने प्रेपरेशन में देख लिया भैया ने क्या डाला है, तो एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ हो गई है। तो इसको टेस्ट करके स्वाद आते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं यहाँ पे डब वाली में, स्पेशल लोग यही खाने आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। तो जी बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, मतलब अतरंगी सा कॉम्बिनेशन है बट अच्छा लग रहा है यार, ऐसी बात नहीं है। मतलब नूडल्स के साथ पैटीज, नूडल वाली पैटीज ही होगी एक तरह की, और बीच में थोड़ा सा बर्गर जैसा फ्लेवर हो गया, तो अच्छा लग रहा है यार मेरे को, बढ़िया लगा। मतलब आप आगे ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। एड्रेस मैं अभी बता देता हूँ आपको कहाँ पे पड़ता है इनका बर्गर है। बाकी बर्गर की जो एक्चुअल में जो जान होती है ना, वो उसकी टिक्की में होती है। तो टेस्ट करते टेस्ट करके इसका स्वाद बताते हैं, इसका स्वाद कैसा है? वाह, ठीक है। बर्गर हमने कई तरह के ट्राई किए हैं, मतलब मैं अलग अलग जगह पे गया, अलग अलग तरह के, जैसे बठिंडा में गया था वहाँ पे ग्रेवी वाला बर्गर है। नहीं देखी वीडियो, ऊपर आई बटन में लिंक आने वाला है। ये वाला भी डिफरेंट बर्गर है, नूडल वाला बर्गर भी खाए हैं, लेकिन इनकी टिक्की और नूडल बनाने का तरीका, उसका थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ट्राई कर सकते हो ये भी आगे, बढ़िया स्वाद है।
एड्रेस बता देता हूँ, डिलाइट सिनेमा मार्केट है, वहाँ पे आके आप बिल्कुल फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे बबलू बर्गर वाला है जी, आप आके इनसे मैं कहता हूँ एक बारी ट्राई जरूर करके जाना। डिफरेंट तरह का फूड है, मतलब है तो देसी स्टाइल लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा। मैं कहता हूँ एक बारी, मतलब अगर आप इन ऐसे फूड के शौकीन होना जो असली स्ट्रीट स्टाइल है, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। और जिनको ऐसे स्ट्रीट स्टाइल वाले बर्गर पसंद है ना, उनको फटाफट से जाओ टैग मारो और लाइक कर दो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और इंस्टाग्राम पे भी जाओ यार, वहाँ भी इतनी बढ़िया बढ़िया मैं रील्स डाल रहा हूँ, वो भी जाके देख लिया करो और फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो मेरे को फॉलो करने की, तो वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, रेसिपीज भी आती हैं, आप जाओ वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना उनके साथ जो ऐसे फूडीज हैं और स्ट्रीट स्टाइल वाले हैं। इसी के साथ मिलूंगा किसी नई सी वीडियो में किसी नए जैकेट के साथ। टिल देन बाय बाय।